तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट वीवो मोबाइल अंडर 13,000, जहाँ पे आपको 13,000 के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6,000 एमएएच का लार्ज बैटरी मिलने वाले, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 44 वाट के फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर मिलने वाले सिर्फ 13,000 के अंदर। तो दोस्तों, आपको अगर वीवो की डिवाइस पसंद है और 13,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसकी बात बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फनटच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो था इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो ये डिवाइस है वीवो की तरफ से वीवो T2X 5G, क्या कुछ मिलता है एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और जो कैमरा मॉडल है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, बॉक्सी डिजाइन होगा, बैक आपको प्लास्टिक का मिलेगा, और यहाँ पे आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा, जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों, बात करें मोबाइल के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.58 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें बैटरी की,
तो अब आपको मिलने वाला है 5000 mAh का बैटरी विथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको दिया गया MediaTek Dimensity 6020 पावरफुल 5G चिप जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 6 5G बैंड देखने को मिलेगा, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। तो यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हो, अच्छी खासी फ्री फायर पबजी चल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो काफी तगड़ी है। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP प्लस 2MP और फ्रंट कैमरा आपको 8MP का मिल जाएगा। दोस्तों बात करो रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा की जो फोटो क्वालिटी है वो काफी तगड़ी है। जिसके पता है वीवो डिवाइस कैमरे के लिए जाना जाता है, तो आपको अगर 12,000 के अंदर बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल चाहिए तो इसके साथ जाओ जा सकते हो। पर्सनली मैं भी बहुत टाइम से इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो फोटो क्वालिटी है ना वो काफी तगड़ी है। और मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी बात लगती है इस डिवाइस की, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरा में फीचर मिल जाएगा, मतलब लिटरली आपकी जो फेस है उसे कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो इस कैमरा की मदद से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस कैमरा को, तो आप भी अगर चाहते हो 12,000 में बेस्ट कैमरा सेंट्रिक मोबाइल लेना तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस वो 13,000 है बेस वेरिएंट की, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 600 का डिस्काउंट देखने को मिलता है और सेल पे यहाँ पे आपको 1,000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो 12,000 के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो इस प्राइस पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है IQOO की तरफ से IQOO G7S 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों ये AMOLED डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वही पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा, तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64MP का होगा विद OIS। हाँ दोस्तों OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 6nm पे बेस है। और ये एक 5G चिपसेट है जिसके एंटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। वहीं पे आपको हायर वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफी तगड़े मिलने वाले। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल या फिर गेमिंग मोबाइल या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, OIS की सपोर्ट भी मिल जाता है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है। वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।